फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं राखी सावंत की प्रेगनेंसी के बारे में, जिसे उन्होंने कंफर्म किया है अपने रिसेंट इंटरव्यू में और कहा है कि लकी सिंह के साथ इस वक्त प्रेग्नेंट हैं और शादी भी करना चाहती हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके रिसेंट इंटरव्यू को देखा जाए तो उसमें राजश्री के साथ मौजूद हैं, जहाँ पर वो उनके साथ पैचअप भी कर रही हैं और लोगों को बता रही हैं कि उनके बीच में जो भी दूरियाँ आई थी, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ था, वो ख़त्म हो चुका है। ऐसे में जब मीडिया ने उनके सामने ये सवाल रखा कि क्या राजश्री के साथ हुई लड़ाई और फाइट के बारे में आप बताएंगी कि आखिर आप लोगों के बीच में ऐसी कौन सी बात हो गई थी, किस चीज़ की नौबत आ गई थी कि आपने यकायक हर तरह की दोस्ती और हर तरह की कुर्बानी को साइड पर रखा और मीडिया को कॉल करने के बारे में बात भी की। यहाँ पर राखी तो इस बात से मुकर गई, उन्होंने कहा मैंने ऐसी मीडिया के सामने कोई भी बात नहीं की कि मैं राजश्री के पोल खोलूंगी, हाँ लेकिन राजश्री ने यह सब कुछ ज़रूर किया। ये आपके पास मौजूद है, आप इससे पूछ सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए राजश्री ने कहा कि हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो राखी के साथ पैचअप करके खुश हैं। दोस्तों, ऐसे में मीडिया को एक और सवाल करने का मौका मिल गया और उन्होंने राजश्री से कहा कि फिर भी आप कोई तो रीज़न दीजिए कि आखिर राखी के साथ आप नाराज़ क्यों हुई थी। यहाँ पर राखी ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस वक्त मैं भी प्रेग्नेंट हूँ और राजश्री भी प्रेग्नेंट है और हम लकी सिंह के साथ ही प्रेग्नेंट हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम दोनों ही उस शख्स के साथ शादी करना चाहती हैं, ये भी उसी को पसंद करती है और मैं भी, लेकिन अब देखते हैं कि शादी किसकी होती है उसके साथ। यहाँ पर काजल की एक मूवी का भी हवाला दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये काजल है और मैं रानी हूँ और फिर इस तरह से इनकी छेड़छाड़ भी चलती रही। वेल दोस्तों, यहाँ से ये तो कन्फर्म हो रहा है कि लकी सिंह, जिनके प्रपोजल का भी जिक्र राखी कर चुकी हैं, वो उनके साथ दूसरी बार शादी करने जा रही और इरादा रखती हैं। वेल देखते हैं कि अब राखी सावंत कब अनाउंस करती हैं कि उनकी प्रेगनेंसी की ये खबर है, जिसको उन्होंने फ़नी अंदाज में लोगों के साथ शेयर किया, क्या सच्ची है या झूठी है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये सब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।